सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा हॉर्नेट 2.0 के न्यू मॉडल हॉर्नेट 3.0 के बारे में। ये बाइक मार्केट में कब तक आएगी, क्या इसके अंदर फीचर्स आएंगे और क्या बाइक का प्राइस होने वाला है। इस बाइक के अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी वो ड्यूअल चैनल ABS की थी। इस बाइक का जो करंटली मॉडल मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर सिंगल चैनल ABS है। सो अगर इस बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS होता तो ये बाइक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। लेकिन जो इस बाइक का नया मॉडल होंडा हॉर्नेट 3.0 आने वाला है उसके अंदर डेफिनेटली ड्यूअल चैनल ABS आने वाला है, क्योंकि यार यामा ने भी MT-15 के अंदर ड्यूअल चैनल ABS ऑफर कर दिया है, बजाज ने भी पल्सर NS-200 के अंदर ड्यूअल चैनल ABS ऑफर कर दिया है और अपाचे RTR-200 4V के अंदर तो ड्यूअल चैनल ABS काफी टाइम पहले से ही आता है। सो होंडा की हॉर्नेट 2.0 का जो नया मॉडल मार्केट में आने वाला है उसके अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा। दूसरी जो बाइक के अंदर सबसे बड़ी कमी है वो है 6 गियर की। हॉर्नेट 2.0 के अंदर 5-speed गियर बॉक्स है, यानी कि बाइक में 5 गियर है। सो 6 गियर ना होने की जैसे बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती। अगर बाइक के अंदर 6 गियर होता तो बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो सकती थी। वैसे अगर देखा जाए तो सेगमेंट में इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है। बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन और पिकअप भी काफी अच्छा है, क्योंकि बाइक अपनी सेगमेंट में काफी लाइट वेट है और बाइक का पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है। लेकिन बाइक में अगर 6 गियर होता तो बाइक की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। सो जो इस बाइक का नया मॉडल मार्केट में आने वाला है उसके अंदर 6 गियर आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और थर्ड जो इस बाइक के अंदर सबसे बड़ी कमी थी वो है लिक्विड कूल्ड इंजन की। अभी जो बाइक मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है, लेकिन अगर होंडा हॉर्नेट 2.0 के न्यू मॉडल में लिक्विड कूल्ड 6-speed गियरबॉक्स वाला इंजन ऑफर कर देती है तो उस बाइक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी और बाइक की माइलेज भी काफी अच्छी होगी। सो ये तीन इस बाइक की सबसे बड़ी कमियां थी, ड्यूअल चैनल ABS, 6 गियर और लिक्विड कूल्ड इंजन। ये तीनों कमियां अगर होंडा इस बाइक के न्यू मॉडल में पूरा कर देती है तो फिर ये बाइक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है और 200cc की बाइक्स को भी ये बाइक काफी अच्छा टफ कंपटीशन दे सकती है। और दोस्तों जो इस बाइक का नया मॉडल मार्केट में आने वाला है उसके अंदर OBD2 सेंसर भी आएगा। बाइक के अंदर BS6 फेज 2 कंप्लायंट इंजन होगा। बाइक BS6 फेज 2 के नॉर्म्स को फॉलो करेगी। बाइक में आपको न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स, न्यूली डिजाइन कलर स्कीम भी देखने को मिलेगी, यानी कि बाइक में नए कलर्स भी आने वाले हैं, नए ग्राफिक्स भी आएंगे। और एक और इस बाइक की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफी कॉम्पैक्ट है। सेगमेंट के अकॉर्डिंग बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। सो जो इस बाइक का नया मॉडल आने वाला है उसके अंदर आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल सकता है, इसके भी चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो भाई अगर बाइक के अंदर ये सभी चेंजेस होते हैं या इनमें से कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर बाइक का प्राइस क्या होगा। सो अभी जो होंडा हॉर्नेट 2.0 मार्केट में अवेलेबल है उसका एक्चुअल प्राइस 1,36,700 है, 1,36,700 रुपए। लेकिन इस बाइक का न्यू मॉडल जो मार्केट में आने वाला है उसके अंदर अगर होंडा सिर्फ OBD2 सेंसर ऑफर करती है और उसके अलावा और कोई भी फीचर ऑफर नहीं करती है तो फिर बाइक का एक्चुअल प्राइस 1,000-2,000 रुपए के आसपास ही बढ़ेगा। तो फिर बाइक का एक्चुअल प्राइस 1,38,000 रुपए के आसपास होगा। लेकिन अगर होंडा इस बाइक में ड्यूअल चैनल ABS भी ऑफर कर देती है और OBD2 सेंसर भी ऑफर करती है तो फिर बाइक का एक्चुअल प्राइस 3,000-4,000 रुपए के आसपास बढ़ जाएगा और बाइक का एक्चुअल प्राइस आपको 1,42,000 के आसपास मिलेगा। लेकिन अगर होंडा इस बाइक में लिक्विड कूल्ड इंजन, 6-speed गियर बॉक्स भी ऑफर करती है, ड्यूअल चैनल ABS भी ऑफर करती है तो फिर बाइक का एक्चुअल प्राइस 8,000 रुपए के आसपास बढ़ जाएगा और बाइक का एक्चुअल प्राइस आपको 1,45,000 के आसपास देखने को मिलेगा। सो बाइक का जो नया मॉडल मार्केट में आएगा उसका प्राइस तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही, लेकिन उसके अंदर फीचर्स भी काफी अच्छे हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बाइक में ड्यूअल चैनल ABS तो आएगा ही और बाइक में OBD2 सेंसर तो डेफिनेटली आएगा, नए ग्राफिक्स और नई कलर स्कीम भी आएगी। और फाइनली दोस्तों बात करें इस बाइक की लॉन्च के बारे में तो होंडा इस बाइक को अप्रैल से लेके जुलाई के आसपास लेके आएगी, क्योंकि अभी तक इस बाइक की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन होंडा इस बाइक के न्यू मॉडल को 2 या 3 महीने में लॉन्च कर देगी। तो भाई अगर आप होंडा की हॉर्नेट 2.0 के न्यू मॉडल का वेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @K2KMotoVlogs। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।